थाना ललितपुर के घंटाघर चौराहे का है, जहां देर रात महिलाओं ने युवक को पुलिस हिरासत से छुड़ाने के लिए हाई वोल्टेज ड्रामा किया। बताया गया कि युवक ने पुलिस को फोन पर हिंदू मुस्लिम दंगा होने की फर्जी सूचना दी थी, लेकिन जब पुलिस फोर्स वहां पहुंची तो युवक भागने लगा तो पुलिस ने उसे पकड़ लिया। उसी को पुलिस हिरासत से छुड़ाने महिलाओं सहित परिजनों ने घंटाघर चौराहे पर हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू कर दिया। युवक के घर की महिलाओं ने अपने ऊपर केरोसिन छिड़क कर आग लगाने का प्रयास किया। पुलिस एवं वहां मौजूद लोग महिलाओं के हाथ से माचिस छुड़ाते रहे। इसके पहले इन लोगों ने घंटाघर चौराहे पर पत्तों को इकट्ठा कर आग लगा ली थी। उसके बाद पुलिस को गाली गलौज कर पुलिस पर युवक को झूठा फंसाने का आरोप लगा रहे थे, जबकि उस युवक पर पहले से कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। युवक का पिता कह रहा था कि पूर्व में मेरा झगड़ा कल्लू वाल्मीकि से हुआ था, जिसमें मेरे बच्चे को उल्टा फंसाया जा रहा है। साथ में आई महिलाओं ने पुलिस पर पैसा लेने का आरोप भी लगाया। लगभग 1.5 घंटे तक महिलाओं का यह हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। देर रात तक पुलिस ने युवक को छोड़ा नहीं। साथ ही पुलिस ने युवक के पिता एवं भाई को हंगामा करने, गाली गलौज करने एवं हाई वोल्टेज ड्रामा करने पर हिरासत में ले लिया था एवं महिलाओं को घर भेज दिया गया था। क्या है पूरा मामला? कल शाम को यूपी हेड डायल पे एक सूचना आई कि ये जेल तिरा है, इसपे 50-60 लोग इकट्ठा है और हिंदू मुस्लिम दंगा हो रहा है। और ये बड़ी कमल सिचुएशन थी और सूचना थी। तत्काल वह सीओ सिटी इंस्पेक्टर और आसपास जन का फोर्स पूरा भेजा गया। वहाँ देखा गया कोई ऐसी वहाँ पे वैसी कोई बात नहीं थी। फिर इसमें जब सर्च किया गया तो एक व्यक्ति जो संदिग्ध था भगा वो, उसको पकड़ के सब पूछताछ लाया गया। जब सब पूछताछ करी आई थी तो उसके परिजन द्वारा उसको छुड़वाने के लिए दबाव बनाया गया और उसमें घंटा घर में जाकर उन्होंने बड़ा हंगामा काटा। उसमें कुछ महिलाओं ने मिट्टी तेल भी छिड़क लिया अपने ऊपर और ये था उनका कि उनके लड़के को छोड़ा जाए। पूरे घटनाक्रम की जानकारी के लिए वहाँ फोर्स लगाई गई तो सब लोग भाग गए वहाँ से। और इसके अलावा फिर आगे पूरे इसकी एंट्री करेगी जीडी में और पूरी विधिवत इसकी जांच की जा रही है और उसमें जो भी तथ्य आएंगे, उसमें जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इसमें किसी को बख्शा नहीं जाएगा।